आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर आज भी किसी भी तरह से पहचान के मोहताज नहीं है। अपनी बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरती को लेकर शाहिद बेहद ही जाने जाते हैं। हालांकि शाहिद के फिल्मी करियर में भी काफी फ्लॉप फिल्में रही है, फिर भी इनकी जो फिल्म हिट हुई है वो काफी ज्यादा फेमस हुई है। आज हम बात कर रहे हैं उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म विवाह के बारे में, जिनके निर्देशक सूरज बड़जात्या थे। इस फिल्म को 8 करोड़ के मामूली बजट में बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म ने 50 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म में पूनम का किरदार निभाने वाली खूबसूरत अभिनेत्री आपको याद तो होगी ही। इस फिल्म में इस अभिनेत्री ने इतनी खूबसूरत भूमिका निभाई थी कि इस फिल्म के बाद उन्हें सब पूनम के नाम से जानने लगे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अभिनेत्री का असली नाम अमृता राव है। बता दें कि इस फिल्म को आए हुए बहुत साल हो गए हैं और आज अमृता पहले से भी कई ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमृता का जन्म 7 जून 1981 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। अमृता राव की एक बहन भी है जिनका नाम प्रीतिका राव है, जो कि मॉडल और बॉलीवुड एक्ट्रेस है। वैसे तो अमृता ने बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में काम किया है, लेकिन फिल्म विवाह से उन्हें बॉलीवुड में एक अनोखी पहचान मिली थी। अमृता राव ने बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में काम किया है, जिनमें मैं हूँ ना, मस्ती और जॉली LLB मुख्य है। बॉलीवुड फिल्मों के अतिरिक्त उन्होंने साल 2009 में स्टार प्लस के धारावाहिक परफेक्ट ब्राइड में एक जज के तौर पर काम किया है। उसके बाद साल 2016 में वे मेरी आवाज ही मेरी पहचान है में भी नजर आई थी। दोस्तों, अमृता राव और शाहिद कपूर की फिल्म विवाह आपको भी आज भी क्या पसंद है, तो हमें कमेंट बॉक्स में विवाह मूवी लिखकर कमेंट करें। साथ ही ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।